अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, की हाल चाल है? उम्मीद कर दियाँ मेरे सब भैन भरा ठीक होंगे। वेलकम कर दियाँ तुहाडे अपने चैनल इकरा विद विलेज लाइफ के, ठीक है? तो अज मैं करन लगी सी टिक्कियां फ्रोजन, तो टिक्कियां बनाने का तरीका मैं तुहानू कहा सी कि मैं तुहानू दसांगी कि मैं किस तरीके दे नाल टिक्कियां बनानियां वा, क्योंकि रमज़ान बहुत नज़दीक आ रहा वा। तुहानू मैं आलू की चिप्स भी फ्रोजन करनी दसी सी, तुहानू मैं समोसे भी फ्रोजन करने दसे सी, हुण मैं तुसीं मेरे नाल रहियो, हुण तुहानू मैं दसांगी कि मैं टिक्कियां किदां फ्रोजन करदी हाँ। तो उहदे वास्ते जिहड़ियां मैं चीज़ां लईयां होईयां वा उह तुहानू मैं दिखांदी हाँ। यह देखो मैं लेने आलू पिसे हुए, ठीक है? पहले मैं इनू कैमरे में बैक कर लेनी हाँ, थोड़ा जिन्ना मसला हो रहा वा इस वजह तो मैं तुहानू नहीं दिखा सकती सी। इहनू मैं आलूआं नू मैं पहले लै लिया सीगा। यह देखो जी आलूआं नू मैं मैश कर लिया वा, ठीक है, चंगे तरीके दे नाल। एक कम अज़ कम 2 तो 3 किलो आलू ने जिन्हां नू मैं मैश किया वा। ये चिकन आ, यह देखो उन्होंने चंगे तरीके जिदा रेशे होंगे ने उदा बॉयल करके नमक बच्च ये पाया सी ते उहदे रेशे जे बना ले ने, ठीक है। यह मैं लई है सुरख मिर्च दादड़ा तकरीबन, ये ज़्यादा पिसी हुई नहीं है। यह सुक्का धनिया, यह जीरा, यह लिया हरा धनिया, यह लिया नमक, यह लिया गरम मसाला, ठीक है। इन सारिया चीज़ों मैं ये पा के मिक्स कराँगी। कि मिक्स कर रही हूँ तुम मैं दिखाऊंगी। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। सब तो पहले मैं ये पावांगी चिकन मैश किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इनू तुसी सिर्फ एक कटलस नहीं बनाने, ये वास्ते तुहानू मैं एक होर राय भी दिनी है। तुसी इनू रोल दे विच भी पा सकते हो, ये सब्जियां वगैरह भी पा सकते हो। रोलों दे विच भी चिकन दे नाल आलू मैश किए हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये तुसी पैटी भी बना सकते हो। मैं तुहानू आहिस्ता आहिस्ता सारियां रेसिपियां दसांगी कि मैं किस तरीके दे नाल अपनियां रेसिपियां जिहड़ियां मैं चीज़ां फ्रोजन करदी हां बच्चियां वास्ते रखदी हां, ठीक है। सब तो पहले मैं विच पावांगी सुरख मिर्च, ठीक है। इहदे विच हरी मिर्च मैं खुद नहीं पाई है क्योंकि हरी मिर्च कुट के पाओ कट के पाओ जो बच्चे शौक ना खाते हैं। जो बच्चे खाते हैं विच हरी मिर्च आ जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा लगती है तो कहते हैं मम्मा ये ना डाला करो बीच में, ठीक है। लेकिन हरी मिर्च का जायका अच्छा होंगे, वो हरी मिर्च के नाल मैं चटनी बना लैनी हाँ जो भी इनू मैं कर दी हूँ धनिए की तो हरी मिर्च की, ठीक है। देखो सुक्का धनिया, साबत धनिया बहुत मज़ेदार लगता, साबत जीरा भी इनू तुम तवे के उत्ते पा लेना वा, पा के इनू हत्थां दे नाल तुम हम जो ये कर लगना वा, ठीक है, क्योंकि यदि खुशबू फिर अच्छी आएगी। इदा रख के धनिया के नाल लेना इस तरीके के नाल तुम कर लेना, ठीक है। यह देखो गरम मसाला भी मैं बिच पा दिता, ठीक। इस हूँ सारियां नूं मैं यक जान इतने इन्ना अच्छे तरीके दे नाल मैं मिक्स करांगी। देखो हत्था दे नाल इस तरीके दे नाल देखो ये बहुत मज़े की टिक्कियां बन दी वा। इनू तुसी बना के फ्रोजन कर लो पूरे रमज़ान दे विच, तुसी इनू कोई भी चीज़ तुसी बनाओ तो उहदे नाल इनू 2-3 टिक्कियां जिदा चावल बनाए बिरयानी बनाई कुछ बनाया या आम रूटीन च उदा तुहाडा टिक्कियां खाण नू दिल कीता तो तुसी ये बना के इजीली खा सकते हो, ठीक है। बहुत मज़े दियां बन दियां तुहानू मैं इंशाल्लाह रमज़ान दे विच कई तरीके दे पकौड़े बनाना भी दसांगी। सही यह सब टिक्की हो गई है रेडी, ठीक है। हाँ सच ये मैं एक होर चीज़ पानी है वो तुम मैं दिखानी है कि मैं पानी है।
हाँ जी जी ये देखो एक मुट्ठी में ले लिया वा मैदा ताकि अच्छे तरीके दे नाल चिपक जान, ठीक है। क्योंकि आलू मैं सुबह दे बॉयल करके रखे हुए सीगे ते जो थोड़े जिन्हें ठंडे हो गए फ्रिज दे विच रख दिते जो भी कोई चीज़ रख दे हो ते इहदा इह हुंदा वा कि थोड़ा ना पानी छड्डन लग जाण ते मैनूं ए सी इह ना होए मेरे मेरियां टिक्कियां अच्छे तरीके नाल चिपकण ना। अगर तुसीं भैणां ने भी आलू फ्रीज़ कीते फ्रीजर दे विच रखे होणगे या फ्रिज दे विच बिल्कुल रेडी हो गया वा ते हुण मैं टिक्कियां बनावांगी तुहाडे सामने। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਗ੍ਰਮਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਸਿਰਫ ਮਿਕਸਚਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰਾਂਠਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਆਲੂ ਦੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੈਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾ ਲਗਾ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ ਲਗਾ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮਾਨਿਆ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰੰਬਸ ਅਤੇ ਅੰਡਾ ਲਗਾ ਲਵੋ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। 6-7 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ 3-4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 70-80 ਟਿੱਕੀਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਵਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਅਨਾਬੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ, ਉਹਨੇ ਚਾਪੜ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁੱਕ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਰੀਬ ਪੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ
चिप्स समोसे ते ए आज कटलेट ठीक है रमजान तो पहले हो गया ठीक है हाँ जो हलाल साढ़े घर दे बने हुए ने रोज फ्राई कर दो फ्राई कर दो मेरा ख्याल है रमजान आने तो पहले पहले मैनू ये चीज़ा दोबारा बनानियां पड़ेंगी तो पहले इन्होंने शिफ्ट ला देनियां एक कम से कम इधर मैं तीन पैकेट बनाए मैं थोड़ा कड़ के एक दिखाया वा ठीक है तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो आज दी है चंगी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना नाले कमेंट्स दसना कि यह टिक्कियां तुम्हें कैसिया लगियां बनिया हुई वैसे मैं तोड़ के तुम्हें दिखाऊंगी आ गया जी साढ़ा मलान साहब आ गए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बहुत जिद कर लग गई है पता नहीं दंद जड़े या होर कट रही है छोड़ दो इसको तो इस वजह तो जिद कर रही है बच्चे जी ये देखो मैं एक टिक्की जी कड़ ली है देखो क्रिस्पी आ बहुत ज़्यादा अगर तुम टिक्कियां के उत्ते किसी चीज़ से मिक्सचर लगाते हो मैदा ये दो चम्मच तो जोड़ा वा बेसन और चार चम्मच पा के तो मिक्स करके करोगे तो फिर एक क्रिस्पी जी बनेंगे इस तरीके में ठीक है तो इन हम मैं तुम्हें तोड़ के दिखाव जब तक मेरी दूसरी टिक्कियां फ्राई होनी तो मैं तुम्हें इन्हें तोड़ के दिखाई हूँ यह देखो मेरिया फ्रोजन कितिया हुई टिक्कियां बिल्कुल मैं नाल रख दीतियां वा यह देखो बिस्मे बुलाए रहमाने वाहिनी माशाल्लाह ठीक है अज की मेरी ये रेसिपी तुम्हें बहुत चंगी लगी होगी मैं बहुत उम्मीद है अपने भैन भरावान को मैंने कमेंट्स जरूर दसियो जो मेरी अज की यह रेसिपी चंगी लगी है अज बहुत स्लो बोलन में देरी कर रहा वा एवं लगता जिम्मे अज रोज़ा रखे होगा तो अगर मैंने कमेंट्स लाजमी दसिया करो कि जो तुम कमेंट्स नहीं ना करते तो मेरा बड़ा दिमाग शार्ट हों शार्ट होती है तो यह ना हो मैं वीडियो बनानी बंद नहीं करूँगी गलत फैमिली मैं वीडियो बनानी छोड़ दी वीडियो मैं एवें ही बनानी है ठीक है उन्ना चिकर अल्लाह हाफिज़ मेरा फ्रोजन का पैकेट देख लो इदा ने मैं तीन दो पैकेट बनाए ने एक एक छोटा तो दो इदा के व्डे ठीक है ये तकरीबन तकरीबन रमजान तो पहले पहले साढ़े मुक जाए ठीक है अल्लाह हाफिज़।